मित्रों नमस्कार, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ राजकीय अस्पताल बाड़मेर की। तस्वीरें दिखा रहा हूँ राजकीय अस्पताल के बेड पर ये महिला सो रही है। इनका नाम है चंद्रा, पत्नी हरीश कुमार, पुलिस थाना नागाना है। ये महिला 8 माह की गर्भवती है, खुद टीचर है ये महिला। इस महिला के साथ मारपीट की गई है। पुलिस थाना नागाना में मामला दर्ज हुआ है। इस महिला से बात हुई है चंद्रा से, और साथ में पुलिस अधीक्षक है बाड़मेर के दीपक भार्गव, उनसे भी बात हुई है। इन महिला के साथ पति द्वारा मारपीट की गई है। क्यों मारपीट हुई है पूरा मामला इस महिला से आप सुने। 8 माह की ये गर्भवती महिला है जो अब राजकीय अस्पताल के बेड पर भर्ती है। इसके साथ मारपीट हुई है, ये अब भर्ती है। और किसने मारपीट की है, क्यों की है, किस कारण की है, वो सुन लीजिए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव से और इस महिला चंद्रा से क्या कहते हैं ये दोनों ही। तो एक बार साथियों शेयर कर दो, फिर इन दोनों से बात करते हैं क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव और चंद्रा। धन्यवाद। इस प्रकार की रिपोर्ट आई है सर, क्या था? नागाना थाने में एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। 2010 में उनका विवाह हुआ था, गर्भवती भी है, उनके की पति का किसी से अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है। इस संबंध में 498 में मुकदमा दर्ज कर लिया और SHO नागाना स्वयं तफ्तीश कर रहे हैं। उस महिला के साथ जो धक्का तो हुई थी, तो अभी वो अस्पताल में भर्ती है। दहेज की मांग ऐसी कोई बात सामने आई? FIR मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया था वो मुख्य आरोप अन्य महिला के साथ संबंध का था। इस संबंध में गहन रूप से जांच करके फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। मेरा नाम चंद्रा है और मैं ब्रेक लेने वाली हूँ। वहाँ मेरी शादी हो रही है और परसों 1 तारीख को मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से। 26 तारीख को आए थे, 5 दिन और जोधपुरी थे मेरे सास ससुर के पास में, और 1 तारीख को यहाँ आए थे। और ये आते मेरे ऊपर मारपीट की और लाठियों से हमला किया मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर। मैं 8 महीने की गर्भवती हूँ और मेरे ऊपर दबाव बना रहे कि 27 लाख रुपए दहेज के रूप में दे और नहीं तो देखो जान से मार देंगे। और फिर रात को 11 बजे मेरी ननद आई जो रामूबाई में लगी हुई है निर्मा कवर, तो उसने भी यही बोला कि जो मेरा भाई मांग रहा है पैसे वो पैसे दे और नहीं तो देखो जान से मार देंगे और इसके लिए हम दूसरी औरत लेके आएंगे, तेरे को हमें चाहिए नहीं। ये पहली बार मेरे साथ हमला नहीं हुआ, मेरे साथ पहले भी हुआ है। मेरे साथ 2010 में हुई थी और 2014 में मेरे साथ मेरी सास ने हमला किया था मेरे ऊपर। मेरे चोटी पकड़ के मेरे को कमरे में बंद करके और मेरे गला दबाने की कोशिश की थी। वहाँ से मैं जैसे वैसे भाग कर छुपी और उन्होंने बोला कि तू हमें दहेज दे नहीं तो तेरे को हम यहाँ जान से मार देंगे और हम उसके लिए दूसरी औरत ले के आएंगे हाथ पकड़ने के लिए। मेरी सास रुकमा देवी, मेरे ससुर जालूरा, मेरी ननद निर्मा कुमार और मेरे हस्बैंड सब मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि हमें दहेज दे नहीं तो तेरे को मार देंगे। तो पहले मैंने कभी कोई मुकदमा दर्ज कुछ भी करवाया नहीं, कि मेरी छोटी बच्ची थी 2014 में मेरी बच्ची हुई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी बच्ची है, मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये वो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो फिर क्या बताओ ये सब मतलब संभल जाएंगे। पर ये कभी संभल 2018 में मेरी नौकरी भी लग गई। मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया बेंगलुरु में, वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने बहुत बार मारपीट की मेरे साथ। मारपीट की मेरे को कमरे के अंदर 2-3 दिन तक लगातार जब भी छुट्टी आते मारपीट करते रहते और बोलते कि मैं किसी ऐसे से किसी से भी नहीं डरता, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, मैं खुद पुलिस हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे को मैं जान से मार दूँगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, मेरे को दे तू तेरे को मांग रहे थे दे और तू मैं नहीं चाहिए। फिर वहाँ से मैं परेशान होकर वहाँ से मैंने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय विद्यालय से। 2 लाख बॉन्ड भरा, बॉन्ड भर के मैं इस्तीफा देते थे राजस्थान आ गई और यहाँ आई। यहाँ मेरा सेकंड ग्रेड में चयन हो गया था, यहाँ मैं चित्रकला पर ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद में जब भी मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते मेरे साथ 2014 के बाद में मैंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मतलब दूसरी लड़की के साथ फ़ोटो भी उनके देखे थे।
आपको मैंने पूछ लिया मुझे आपके साथ लड़के कौन है मैसेज फोटो, तो फिर तब भी उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, तूने मेरा फ़ोन घूम लिया ये वो, तो तू मेरे को नहीं चाहिए, तू मेरी वो, तूने मेरे को क्या दिया, तेरे माँ बाप गरीब ये है, तू मेरे को दहेज देने को, तेरे को मार दूंगा मैं ये वो करके मेरे साथ मारपीट करते रहे। और दिल्ली 2015-18 में उनके साथ दिल्ली में रही, वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत बार मारपीट की और मेरे साथ दबाव बनाया कि तेरे को मार देंगे हम जान से, और मेरी घर से निकल जाने को मैं कर गई। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं और आप? मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है और 179 बटालियन सपोर्ट श्रीनगर में लगे हुए हैं। आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया इस पूरे मामले को? हाँ, करवा दिया। कौन सा थाना? नागढ़। पुलिस आई, बयान हो गए।